1.8 prove that in an equilateral triangle, बेटा ऐसी triangle जिसकी तीनों sides क्या होंगी, magnitude wise same होंगी और उनके internal angle भी क्या होंगे, equal होंगे, A, B and C. तो इसमें A, C side जो है वो B होती है, C, B side जो है वो A है और C के front पे A, B side जो है वो A है. सी है ठीक है. अच्छा अब लेंथ वाइज सेम होने का ये मतलब है कि या तो तीनों सी है या तीनों ए है या तीनों बी है. तो हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल तीनों क्या है, ए है. तो मीन दैट कि आपकी ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ भी ए है और ये लेंथ भी ए है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ठीक है. अच्छा ऐसे में फिर हमारे पास एस क्या आएगा, एस क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है बेटा, ये देखें प्रूफ आपने करना है आर स्मॉल रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री. ये पांच की पांच चीजों में बेटा दो बातें रिपीट हो रही हैं बार बार, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल और आपके पास देन एस, क्योंकि एस इन्वॉल्व हो रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल में. तो ये दो चीजें हम पहले कैलकुलेट करते हैं. S is a sum of all sides of a triangle. Equilateral के केस में B भी A है, C भी A है. तो A plus A plus A over 2, which is equal to 3A by 2. तो ये बेटा sum, ये sum आ जाएगा इन sides का. Then हमारे पास एक formula है, hero formula. Area of triangle is equal to S into S minus A, S minus B. S माइनस सी. अब इसमें देखा जाए बेटा तो B भी A है, C भी आपके पास A है. सो इन दिस केस हमारे पास आ जाएगा S इंटू एस माइनस ए होल क्यूब. वेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर ऐड. तो S माइनस ए का होल क्यूब है. अब S की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, 3A बाय 2 इंटू 3a by 2 minus a. तो LCM ले लेंगे यहां पर बेटा, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a by 2 as it is. LCM लेने पर आपको मिलेगा LCM में 2 and 2 को 2 पे डिवाइड करें 1, 1 को 3a पे मल्टीप्लाई 3a minus 2 को 1 पे डिवाइड करें 2, 2 को a पे मल्टीप्लाई कर दें 2a का होल क्यूब. देन नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a by 2 into a by 2 whole cube. अब cube को बेटा open कर लें इसमें. So area of triangle is equal to 3a by 2 into a cube by 8. Also numerator को numerator से multiply कर दें square root के अंदर, you will get 4a की power 3a की power 4 and 2 into 8 16. अब square root 3 a की power 4 square root से solve होकर a square 16 square root से solve होगा तो 4 आ जाएगा. तो बेटा del की value आ गई है square root 3 a square by 4 और s की value है 3a by 2. अच्छा अब चलते हैं बेटा next के हमारे पास, what is the value of r? As we know that r is equal to del over s एंड डेल की वैल्यू आपके पास है बेटा स्क्वायर रूट 3 ए स्क्वायर ओवर 4 होल डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू आपके पास 3a बाय 2. तो वो रूल बेटा आपके ज़हन में है a बाय b होल डिवाइडेड बाय c बाय d इक्वल है a बाय b डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो D by C है. तो यही रूल अगर इधर अप्लाई करते हैं आप तो R is equal to square root 3A square by 4 multiply 2 by 3A. ये बैलेंस हो जाएगा बेटा, A इससे गया तो you have answer square root 3A over 2 into 3A. तो square root 3 over A बैलेंस हो गया ठीक है. Square root 3 by 3 स्क्वायर रूट 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3. ये वैल्यू किसकी आ गई है बेटा, स्मॉल r की.
देन कैपिटल आर हमें पता है कि इक्वल है ए बी सी ओवर फोर डेल। अब आपके पास बी भी ए है सी भी ए है, सो इन दिस केस ये क्या हो जाएगा ए क्यूब और फोर इंटू डेल। अब डेल की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट की है स्केयर रूट थ्री ए स्केयर ओवर फोर, फोर फोर से बैलेंस ए स्केयर, इससे तो एक ए रह गया। सो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए ओवर स्केयर रूट थ्री, ये आर कैपिटल आर की वैल्यू है। सिमिलरली आर वन, आर वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा हमारे पास गिवन है फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल स्केयर रूट थ्री ए स्केयर बाय फोर डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू बेटा थ्री ए बाय टू माइनस ए। एलसीएम ले डिनोमिनेटर में स्केयर रूट थ्री ए स्केयर बाय फोर, एलसीएम में आ जाएगा बेटा थ्री ए माइनस टू ए ए बाय टू, और इसको डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में लेकर जाए थ्री ए स्केयर ओवर फोर मल्टीप्लाई टू ओवर ए, टू फोर से बैलेंस ए ए से बैलेंस। सो आर वन इज इक्वल टू स्केयर रूट थ्री ए बाय टू, ये आपकी वैल्यू आर वन की है। एंड आर टू इक्वल होता है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस बी, तो आपके पास आर टू जो है वो इक्वल हो जाएगा स्केयर रूट थ्री इक्विलेटरल के लिए ओवर ए स्केयर ओवर फोर, एस इज इक्वल टू थ्री ए बाय टू और बी की वैल्यू भी ए है, तो एलसीएम लेने पर आपको वही मिलेगा बेटा जो आर वन है स्केयर रूट थ्री ए बाय टू सॉल्व करने पर। तो आर टू की वैल्यू भी स्केयर रूट थ्री ए बाय टू है, एंड आल्सो आर थ्री की वैल्यू भी स्केयर रूट थ्री ए बाय टू ही होगी, बिकॉज आपके सी जो है वो भी क्या है ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये आर वन आर टू आर थ्री और आर और कैपिटल आर की वैल्यू आ चुकी हैं। अच्छा बेटा अब हमने प्रूफ जो करना है वो ये है कि इसकी रेशो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूफ के ले लेते हैं, आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री। अब इसमें बेटा काबिले गौर बात ये है कि अगर हम कहते हैं कि ए रेशो बी, इसका मतलब होता है ए बाय बी, अगर हम कहते हैं ए रेशो बी रेशो सी तो इसका मतलब है बेटा ए बाय बी बाय सी। तो ये रेशो में लीनियर फॉर्म में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये पांच वैल्यूज की क्या है रेशो है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये असल में ये चीज है आर की फ्रैक्शन में कैपिटल आर, उन दोनों की फ्रैक्शन में आर वन और उनकी फ्रैक्शन में आर टू और उनकी फ्रैक्शन में आर थ्री। तो ये बेटा एक ही मेजर फ्रैक्शन नहीं है, सारी फ्रैक्शन सेम है, तो इसको सॉल्व करना काफी मुश्किल काम है। तो दैट इज वाई कि हमें रेशो की जरूरत पड़ी थी। क्लियर होगी बात। अब हम रेशो से कैसे प्रूफ करेंगे, अब ये देखें जरा बेटा आर की वैल्यू आप इंसर्ट करें, आर की वैल्यू क्या है स्मॉल आर ए ओवर टू स्केयर रूट थ्री रेशो, कैपिटल आर की वैल्यू ए ओवर स्केयर रूट थ्री ठीक है, स्मॉल आर वन की वैल्यू स्केयर रूट थ्री और ए ओवर टू, एंड सिमिलरली आर टू स्केयर रूट थ्री ए ओवर टू, एंड सिमिलरली स्केयर रूट थ्री ए ओवर टू। अच्छा बेटा अभी हमने फोकस पहली टर्म पे करना है, अब आप देखें तो पहली टर्म आपने क्या बनानी है वन, उसको वन हम तभी बना सकते हैं कि जहां ना ए हो और ना ही टू स्केयर रूट थ्री हो, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग विद, हाँ जी मल्टीप्लाइंग विद टू स्केयर रूट थ्री बाय ए, इससे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाकर हमारे पास पहली टर्म क्या बनेगी वन, हमने पहली टर्म पे फोकस करना है। अच्छा यहां क्या आ जाएगा ए ओवर टू स्केयर रूट थ्री, टू स्केयर रूट थ्री ओवर ए रेशो ए ओवर स्केयर रूट थ्री टू स्केयर रूट थ्री ओवर ए, सिमिलरली स्केयर रूट थ्री ए ओवर टू टू स्केयर रूट थ्री ओवर ए रेशो स्केयर रूट थ्री ए ओवर टू स्केयर रूट टू स्केयर रूट थ्री ओवर टू
ठीक लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3a ओवर 2 रेशियो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर a रेशियो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3a ओवर 2। अच्छा ये देखिए बेटा, स्क्वायर रूट 3 2 2 से बैलेंस, ए ए से बैलेंस, तो आंसर क्या आया 1। अच्छा ए ए से स्क्वायर रूट 3 से आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। 2 2 से स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, ए ए से बैलेंस। सिमिलरली ए ए से 2 2 से स्क्वायर रूट 3 इनटू स्क्वायर रूट 3 3 आ जाएगा, और सिमिलरली ए ए से 2 2 से स्क्वायर रूट 3 इनटू स्क्वायर रूट 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपने ये 5 टर्म्स की रेशियो प्रूफ करनी है इन 5 नंबर्स के इक्वल। अब वो टर्म्स कौन सी हैं बेटा, स्मॉल r, कैपिटल r, स्मॉल r1, कैपिटल r2, स्मॉल r2 एंड स्मॉल r3। अब हमने इक्विलेटरल के लिए तीनों साइड को क्या रखा है, a रखा है, किसी एक के इक्वल रख लें, बी के इक्वल रख लें, सी के इक्वल रख लें। उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एस फाइंड किया, एस आ गया बेटा 3a ओवर 2, उसको हीरो फार्मूला में इंसर्ट किया, आंसर हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर ओवर 4। अब इन दोनों की मदद से हमने स्मॉल r फाइंड आउट किया, स्मॉल r से फिर हमने कैपिटल r फाइंड आउट किया, ठीक हो गया। उसके बाद R1, R2 एंड R3 और उनकी वैल्यूज को पुट करके हमने फोकस किया है राइट हैंड साइड पे पहली वैल्यू को, यानी कि हमने क्या बनाना है 1। तो हमने देखा है कि यहाँ पर 1 तब बनते हैं कि a भी रिमूव हो जाए और 2 स्केयर रूट 3 भी रिमूव हो जाए, तो फिर हमने मल्टीप्लाई किस फैक्टर से कर दिया, 2 स्केयर रूट 3 ओवर a। एक बात ध्यान में रखनी है बेटा कि मैथमेटिक्स में मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज मल्टीप्लाई होती है फिर डिवाइड भी होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये रेशियोज जी, ये रेशियोज है बेटा, यहाँ हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम अगर उस चीज को ऐसे लिखें तो देखें, अगर आप 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर a इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर डिवाइड करेंगे, वो जो मल्टीप्लाई उधर हो रहा है वो इधर डिवाइड होगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड होगा, और जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर डिवाइड होगा, ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट भी बहाल है अभी तक, तो मतलब उस कंसेप्ट को ही हमने असल में यूज किया है, लेकिन यहां सिर्फ वर्डिंग क्या लिखी है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 5 टर्म्स की क्या है रेशियो है, ठीक है बेटा। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7।